के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे मुल्क में चीटिंग एक ऐसी चीज़ है कि शायद ही कोई शख्स ऐसा नेक हो जो कहे कि जी मैंने ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम्स में चीटिंग वगैरह नहीं की, तो इस्लाम तो इसकी इजाज़त ज़ाहिर नहीं देता। अब उसी की बेस के ऊपर एक शख्स ने नंबर लिए, उसी की बेस के ऊपर उसको जॉब मिली, उसी की बेस के ऊपर वो कमाई कर रहा है, या फिर इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि जी जॉब मिलना भी तकरीबन नामुमकिन है सिवाय सिफारिश के या रिश्वत के, और उसमें फिर आगे प्रमोशन लेना तो सिफारिश के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल आपने तो क्या ये पहले सवाल को आप लादा रखें, दूसरे को आप बाद अच्छा में कीजिएगा, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या इन सूरतों में जो है ये फिर क्या किया जाए? हाँ जी, पहले हो तो गया कि अगर किसी ने चीटिंग 100% की हुई है ना जी, अच्छा कि वो जिस तरह हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर हमने सुना है कि वो इस तरह ओपन बुक चला रहे होते हैं मामला 100%, ठीक है वो मामला तो जाहिर है गलत है। किसी ने कोई एक सवाल के ऊपर चीटिंग कर ली है उसकी वजह से पूरी की पूरी डिग्री तो उसकी खत्म नहीं होगी ना, ठीक है चंद एक छोटी चीजों के ऊपर वो आप इलम्म में आता है कि अल्लाह ताला छोटी मोटी चीजों को माफ कर देगा, लेकिन एक जाली डिग्री आपने ली हुई है वो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी, या आपने वो 100% जो है वो देख के पेपर दिए हुए हैं आपने उस क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं किया हुआ, वो तो जाहिर है हराम ही है, उसमें कोई पूछने वाली बात है। दूसरा सिफारिश वाला जी ये वाला और रिश्वत वाला, रिश्वत सिर्फ अपने जायज काम के लिए दी जा सकती है, और जायज काम वो होगा कि जिस काम को करवाते हुए आप किसी दूसरे का हक ना मार रहे हो। मसलन एक बंदे ने बिजली का मीटर लगवाना है, ठीक है मीटर आपका बुनियादी हक है, आपने अप्लाई किया, क्यू में आपका नंबर भी आ गया, अब उन्होंने मीटर भी आया हुआ रोक के रखा हुआ है कि रिश्वत दोगे तो लगाएंगे, तो अब आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, वो आपका हक था और आपको एज ए लार्ज जार्ट देनी पड़ जाती है, तो वो दिल में यानी उसको बुरा समझते हुए आप दे लें तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक ये है कि क्यू में लोग लगे हुए हैं और आप जनाब 50,000 रुपया दे के पहले ही अपना मीटर लगवा लेते हैं, जिस तरह कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपने पूरे ट्रांसफार्मर लादा से लगवाए हुए हैं, बिजली चोरी भी करते हैं, वो मामला अलग है। ठीक है।